ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं बालों की समस्या के सफल आयुर्वेदिक इलाज पर। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो नेचर शैम्पू देती है वो शिकाकाई, रीटा और आंवला है। इसी पे मैं रिलेटेड पूछना चाहूँगी, तेल पर सवाल। आजकल इतने सारे तेल मार्केट में आए हुए हैं विच इज़ जिसमें बिल्कुल चिकनाई नहीं है, द ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू वॉश, तो आधे गुड फॉर हेयर। दर्शकों, आपसे को हम बता देना चाहेंगे कि तेल क्या है। जी, अगर हम केमिस्ट्री वाइज इसकी डेफिनेशन लें, तेल एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके अगर हम जनरल डेफिनेशन आपको उसको बताएं तो तेल उसको कहते हैं जिसमें चिकनाहट हो। जी, और जिसमें चिकनाहट नहीं है वो तेल ही नहीं है। आजकल के जितने नॉन ग्रीजी ऑयल्स आ रहे हैं वो एक्चुअली तेल ही नहीं है। आयुर्वेद में या हमारे जो शास्त्रों में जो वर्णित है तेल का, तिल का तेल, नारियल का तेल या सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। जी, जब से ये नॉन ग्रीजी हेयर ऑयल्स आए हैं जो कि LLP बेस्ड बड़े हैं, बालों की समस्याएं बड़ी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ने या बड़ी बड़ी कंपनियों ने हर्बल के नाम पे पैसा कमाया है। जी, फॉर एग्जांपल जो आजकल के नॉन ग्रीजी हेयर ऑयल हैं, ये सारे लाइट लिक्विड पेट्रोलियम या फिर ये केरोसिन ऑयल का वाटर बाथ फार्मूला से खुशबू उड़ाते हैं, जिसको व्हाइट ऑयल कहते हैं बाद में। आप ये बताइए, जो चीज़ जलाने की है, केरोसिन ऑयल जलाने की चीज़ है, क्या वो ऑयल हो सकती है? नॉट पॉसिबल। और उस व्हाइट ऑयल में वो लोग परफ्यूम व कलर बनाकर ये आज की जनरेशन के लिए तेल तैयार करते हैं जिसका नाम है नॉन ग्रीजी हेयर ऑयल। और आजकल की जनरेशन अल्टरनेटिव क्या है डॉक्टर साहब? अल्टरनेटिव ये है कि तेल का मकसद है जो बालों में चिकनाहट पैदा करे। तो हम अब फिर अगर हमें हेयर ऑयल चाहिए तो विच इज द हेयर ऑयल शुड वी यूज? इसके लिए आरोग्य धाम ने केश रक्षक हेयर ऑयल बनाया है जो 100% तिल के तेल पे बना है। इसमें वो जड़ी बूटियां यूज की गई हैं जो चटनी बनाकर, कल्क बनाकर या काढ़ा बनाकर उसमें यूज की जाती है। जी, मैं एक कॉलर ले लेते हैं फिर इस पे हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र। हेलो जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा लड़का जिसकी एज तकरीबन 18 साल है जी, लेकिन उसके बाल अभी से सफेद होने जा रहे हैं। अब इसी पे जी, उसका कोई उपाय है अभी? बिकॉज सुरेंद्र जी, बालों का सफ़ेद होना रोग नहीं है, परंतु अगर वो समय से पहले सफ़ेद होते हैं, जैसे आपका बेटा 18 साल का है, तो निश्चित रूप से ये रोग है, क्योंकि जो बालों का पिगमेंट है जी, उसकी वजह से डिसकलरेशन होता है जी। इसके लिए आप आरोग्य धाम का केश रक्षक हेयर ऑयल, मैं आपको इसकी विशेषता बताऊंगा कि वाई इट इज़ बेटर देन अदर हेयर ऑयल। क्योंकि आयुर्वेद में जो मेन तेल बताया है, मेडिकेटेड ऑयल, वो तिल का तेल बताया है। आप तिल के तेल में जो आयुर्वेद में मेंशन जड़ी बूटियां हैं, फॉर एग्जांपल भृंगराज, गुड़हल के फूल, आंवला, मोलैटी, हार श्रृंगार, इस तरह से अनेक जड़ी बूटियां, इंद्रायण, चौंटली, इन जड़ी बूटियों को तिल के तेल में 7 से 8 दिन पकाया जाता है ताकि उन जड़ी बूटियों का असर तिल के तेल में आ जाए। जी, क्या मिट्टी के तेल को भट्टी पर पकाया जा सकता है? कदापि नहीं। इसीलिए आयुर्वेद में जो बने हुए तिल के से बने हुए जो तेल हैं जी, जैसे आरोग्य धाम का केश रक्षक हेयर ऑयल है, ये तेल बनने में समय अधिक लगता है क्योंकि तिल के तेल से बनते हैं, और इसमें जड़ी बूटियों को पकाया जाता है कल से या काढ़े के रूप में। तो वो तिल का तेल अगर आप लगाएं आरोग्य धाम का, जैसे केश रक्षक, तो उससे गंजापन भी कम होगा और गंजापन भी दूर होगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर भी, और हेयर फॉलिंग का जो जो प्रोसेस है वो भी अरेस्ट होगा। ग्रेइंग ऑफ हेयर कैन नॉट बी टर्न बैक अगेन टू द ब्लैक हेयर, बट इसकी प्रोसेस शायद स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन हो जाएगी, और उसके साथ साथ जैसे आरोग्य धाम का स्मरण शक्ति रसायन योग है जी, वो एक चम्मच सुबह शाम दिया जाए तो निश्चित रूप से ये समस्या से निजात पा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड हम कुछ देखते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं बालों के इलाज में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख औषधियों पर। भृंगराज, तिल, शंख पुष्पी, गुड़हल, मेहंदी, ब्रह्मी, रीठा, आंवला, शिकाकाई जी। डॉक्टर साहब, ये सारी जो औषधियां हैं वेरी इजीली अवेलेबल, हाँ जी, बट इसको यूज कैसे करें?
अब देखिए जैसे तेल रीठा शिकाकाई, चलिए तो वो तो देखिए हमने जो शैम्पू के रूप में बताया वो रीठा शिकाकाई वो आंवला बताया जी। हम उनके लिए एक नेचुरल लाइफ भी बता देना चाहेंगे, मंडूर भस्म भैषज रत्नावली का योग है, आंवला व गुड़हल के फूल जी, इनको आप तीनों को पीस के इसका चून बना ले। सर गुड़हल के फूल इज इजीली अवेलेबल? गुड़हल फूल आपके यू कैन फाइंड एवरीवेयर, और दूसरा मंडूर भस्म आंवला जी, ये नेचुरल डाई है, केमिकल डाई नहीं है। अगर आप इसको लगाते हैं जी 3 दिन तक तो आपके बाल 90 दिन तक काले रहते हैं, काले रहते हैं, इतना पावरफुल डाई है। ये भैषज रत्नावली का रोल योग है जी, बिल्कुल कंफर्म योग है जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए एक चीज जरूर बता देना चाहेंगे कि जहाँ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या ल्यूकेरिया से कनेक्टेड प्रॉब्लम है या आयरन डेफिशिएंसी है तो आरोग्य धाम का नारी सौंदर्य रक्षक सिरप जी 2 चम्मच सुबह शाम जरूर लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बालों की झड़ने की महिलाओं में अधिक होती है। इसके लिए आरोग्य धाम ने नारी सौंदर्य रक्षक सिरप बनाया है, जिसके लेने से जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होती हैं और बालों का झड़ना भी रुकता है जी। हमारे कॉलर हैं बल्लभगढ़ से सुजीत जी। सुजीत हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। मैं जी 19 वर्ष का हूँ, इस टाइम 17 वर्ष का हूँ, तो बाल मैडम मेरे सफेद हो रखे हैं जी, आधे सफेद आधे काले जी। तो इस टाइम मैं मेहंदी लगाता हूँ, मेहंदी से लाल तो हो जाते हैं परंतु सफेदपन रहता है, तो ऐसे बताइए मैडम मेरे काले बाल हो जाएं। जी, मेरी बहन के भी हैं इस टाइम, वो 20 वर्ष की है सपना जी, तो उसके भी सफेद हैं, बचपन से ही हुआ है, और मम्मी 45 वर्ष की है, उनकी है ही नहीं जी, इस टाइम मम्मी के काले बाल हैं जी, तो हमारे काले हैं, वाइट हैं, तो बताना कुछ इसके जी। बारे में। इसमें जनाब आप अपने लिए आपके लिए नेचुरल डाई हम बताते हैं जो अभी आपने बताया है, मंडूर भस्म, रिपीट कर लेंगे, मंडूर भस्म जी, आंवला व गुड़हल के फूल, इन तीनों का आप पेस्ट बना ले, पहले पीस लें फिर इसका पेस्ट बनाएं जी, और 3 दिन लगातार लगाएं। अगर आप 3 दिन लगातार लगाते हैं तो 90 दिन तक आपके बाल नेचुरल रूप में काले रहते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आप अपनी जो सिस्टर हैं उनको साथ में नारी सौंदर्य रक्षक सिरप आरोग्य धाम से पिलाएं 2 चम्मच सुबह शाम जी, ताकि उनके अभी से वो जो व्हाइटनिंग ऑफ हेयर है वो रुके। डॉक्टर साहब, ये जो ग्रेइंग ऑफ हेयर का प्रॉब्लम है काफी कॉमन होता जा रहा है, क्या इसमें कोई हेरिडिटरी कंपोनेंट है? व्हाई नॉट, समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट इट्स ऑलवेज कनेक्टेड विद अवर फूड हैबिट्स। आजकल का जो फूड है जिसमें ज्यादा लवण है, ज्यादा क्षारीय चीजें हैं जी, उससे ज्यादा ये प्रोसेस बढ़ता है जी। चलिए डॉक्टर साहब, आज के लिए बस इतना ही, आज हम अपनी चर्चा को यही समाप्त करते हैं। सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप डॉक्टर राकेश अग्रवाल से सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं, कॉल करें 09897073600 या फिर 01312622326 पर। आप मेल कर सकते हैं arogyadham@rediff.com पर। अगले शनिवार को ठीक शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आप अभी हमें इजाज़त दीजिए, दिल्ली और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए टोटल TV। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।